अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विदाउट आइसक्रीम, और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ मैं। हमें ये जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: एक गिलास दूध, स्ट्रॉबेरी क्रश्ड। हमने स्ट्रॉबेरी को पीस लिया है, हमने इसमें कोई पानी कोई शक्कर कुछ भी नहीं डाला। स्ट्रॉबेरीज और 3 खजूरें। अगर आप खजूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो शक्कर इस्तेमाल कीजिए, वरना मैंने यहाँ पर खजूर का इस्तेमाल किया है। यहाँ एक टिप देती हुई चलूँ कि जब भी आप स्ट्रॉबेरी ले लें, अगर आपको यूज़ ना हो रही हो तो आप फ्रीज कर लीजिए उसे। उसके अंदर आप सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज को उसकी डंडियाँ निकाल लीजिए, उसको वॉश करके उसके ऊपर 1 चम्मच शक्कर छिड़क दें और मिक्स करके फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये मेरी 2 दिन पहले की स्ट्रॉबेरीज हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है, कहीं से भी इन पे ज़रा सा भी निशान नहीं है और कहीं से भी गली भी नहीं है। ये मेरी 2 दिन पहले की स्ट्रॉबेरीज हैं और मैंने इस पे 1 चम्मच शक्कर डाल के फ्रीज़ कर लिया था। चलिए आइए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। सबसे पहले हम अपने मिक्सचर में स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। अब हम यहाँ पहले स्ट्रॉबेरीज को क्रश कर लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मेरी बिल्कुल क्रश होकर पीस गई हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे खजूरें। ये 3 खजूरें हैं, इससे के मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। पहले अब मैं ये डालूँगी। अब मैं ये अपनी खजूरें डाल रही हूँ। अब मैं इसको पीस लूँगी खजूर को स्ट्रॉबेरीज़ के साथ। स्ट्रॉबेरीज़ और खजूर दोनों मेरी अच्छे से पीस गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। ये मैंने दूध डाल दिया, मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा बचा के रखा है दूध। आप देख सकते हैं मेरा अब मैं इसमें डालूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश्ड जो मैंने अलग से रखी थी। अब मैं इसे पीस मिक्स कर लूंगी इसके साथ। अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे और मैंने एक स्ट्रॉबेरी को बीच में से कट लगा के यहाँ पर लगा दिया है। इसी के साथ जो हमारे पास जो क्रश्ड स्ट्रॉबेरी की प्यूरी थी, हम वो इसके ऊपर डालेंगे। ये हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विदाउट आइसक्रीम तैयार है, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ नई डिश में। अपना और अपने भाई प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।